भगवान परशुराम की जयंती पर नहीं निकली शोभा यात्रा? 51 टीन तेल बांटकर मनाया आराध्य देव का जन्मोत्सव। जी हां, भगवान परशुराम जन्मोत्सव भी कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गया। प्रतिवर्ष विप्र समाज अपने आराध्य देव का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाती थी। भगवान की पूजा अर्चन के साथ नगर के मुख्य मार्गों पर भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती थी, परंतु इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है। इसी कारण विप्र समाज द्वारा प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए निर्णय लिया गया कि भगवान की पूजन अर्चन घर पर ही किया जाए। साथ ही ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा ने बताया कि नगर में चल रही अनेक सामाजिक संस्थाएं जो कि जरूरतमंद लोगों को भोजन और राशन पहुंचा रही हैं, उन्हें 51 टीन तेल दान दिया है। विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। आज यहाँ पर वसुधा में पत्थर व्यापारी संघ के सब लोग जो अपना खाना वितरण का काम कर रहे हैं, तो मजदूर वर्ग के लोग हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा लोग हमें मिलते हैं, तो ये हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे भी इनकी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। अगर किस तरह से भी कोई भी संदिग्ध या कुछ भी ऐसा मिलता है तो अच्छी बात है, उसके लिए हम आगे करेंगे। और बाकी सब इन लोगों के लिए बड़ा बड़ा साधुवाद कि विपदा की घड़ी में ये भोजन का वितरण कर रहे हैं, कोई भी भूखा ना सोए। पत्थर व्यापारी महासंघ इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। धारा 144 भी लगी है, पूरे में लॉकडाउन लागू है, तो इस स्थिति में कोई भी सामाजिक बड़ा कार्यक्रम ना करते हुए ब्राह्मण समाज गंजबसौदा हम सब लोगों ने ये तय किया है कि जो भी समाज सेवी संस्थाएं गंजबसौदा में कार्यरत हैं, गरीबों को भोजन बांट रही हैं, उन सभी संस्थाओं को हम अपनी ब्राह्मण समाज गंजबसौदा की तरफ से तेल की कैने सबको दें जो गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं।